हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ, देखती हूँ अब कौन सी सब्जी बनाऊँगी, तो मैं आपको वो रेसिपी ज़रूर बताऊँगी। तो गाइस, मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च कट कर लिए, अब ये जो पेठा है मैं इसे भी कट कर लेती हूँ। तो गाइस, मैंने इसके जो ऊपर के कवर था वो मैंने उतार दिया, अब मैं छोटे छोटे पीसेस में इन्हें कट करूँगी। आज मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है, पता नहीं क्यों, कौन याद कर रहे हैं। तो अभी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके दिखाती हूँ। अब मैंने ये छोटे छोटे पीसेस में गाइस कट कर लिए, देखो मैंने थोड़े बड़े पीसेस ही रखे हैं, ज़्यादा छोटे नहीं किए हैं। ज़्यादा छोटे रखूँगी तो सब्जी जो खड़ी खड़ी नहीं बनेगी। तो मैं अभी जल्दी से छौंक लगा देती हूँ। तो गाइस, मेरा जो ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। ये देखो जीरा है जो हमारा अच्छे से तड़क चुका है, तो इसमें प्याज टमाटर और हरी मिर्च डाल देती हूँ। ये मेरे जो प्याज टमाटर है अच्छे से भून जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें जो मसाला है, इसमें हल्दी नमक मिर्च ये सब डाला हुआ है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे को अकेले ही शूट करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि साथ साथ काम भी करना होता है और शूट भी करना होता है। अब जो ये मसाला है तो इसकी मैं धीमी आंच कर देती हूँ। जब तक मसाला अच्छा पकेगा तभी हमारी सब्जी अच्छी होगी, इसके ऊपर बिल्कुल ऑयल आ जाएगा पक पक के। और तब तक मेरे बर्तन हैं तो मैं इन्हें साफ़ कर लेती हूँ, तब तक मेरा मसाला भी भुन जाएगा। तो गाइस, मैंने जो बर्तन थे वो सभी साफ़ कर दिए, तो अब मैं ये है जो सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। सिंक है ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इसीलिए ये भी साफ़ करना पड़ता है। ये यहाँ से बहुत ध्यान से करना पड़ता है, उंगली लग जाती है इसमें। तो गाइस, ये मेरा देखो सिंक है जो बिल्कुल क्लीन हो गया है और ये मेरे बर्तन साफ किए हुए हैं। अब मैं एक बार सब्जी चेक कर लेती हूँ कि इसका मसाला अच्छे से भुंधा है नहीं भुंधा। ये देखो मसाला भून भून के अच्छे से रेडी हो गया बिल्कुल, देखो धीमी आंच पे और अच्छा भूनता है। अभी मैं इसे थोड़ी देर और भूनने देती हूँ, देखो ये बिल्कुल अच्छे से भून के ऊपर आ जाएगा। तब तक हमारा मसाला रेडी हो रहा है, मैं इन कपड़ों को बाहर निकाल देती हूँ मशीन से। तो ये मैंने गाइस कपड़े बाहर निकाल दिए हैं, अब मैं इन्हें थोड़ी देर में पानी से निकाल लाऊँगी, तब तक मैं अपनी सब्जी में अच्छे से भूंदगी होगी और ज़्यादा भी। देखो बिल्कुल मसाला देखो अच्छे से हो गया है, महक आनी स्टार्ट हो जाती है इसमें। जब आपका मसाला भून के तैयार हो जाएगा तो इसमें से महक आ जाती है। अब मैं इसमें पेठा डाल देती हूँ, ये मैंने डाल दिया पेठा। अब मैं इसको मसाले को इसके ऊपर कवर करके 5 मिनट तक और बनवाऊँगी, फिर पानी डालूँगी इसमें जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। ये देखो गाइस, मैंने इसके ऊपर जो कि यह डाल दिया है, अब अकॉर्डिंग टू ग्रेवी मैं इसमें पानी डाल दूँगी 5 मिनट के बाद। तब तक मेरा ये अच्छे से कवर अप हो जाएगा मसाला इनके ऊपर, जो कि पेठे की स्लाइसेस हैं इनके ऊपर। अभी गाइस मैंने पानी इतना ही डाला है कि स्लाइसेस दिखती रहे, अगर थोड़ी देर में मेरे को नीड लगी तो मैं इसमें और डाल दूँगी। फ्लेम हमारी जो कि है लो ही रहनी चाहिए, और तब तक मैं अपने जो कपड़े हैं वो पानी से निकाल लाती हूँ और तब तक मेरी सब्जी बनती रहेगी। तब तक मेरे कपड़े हैं जो कि निकाल लेती हूँ पानी से। तो गाइस मैं टैप ऑन कर दी है, अब मैंने पानी से निकाल दी। मैं प्लॉट में आई हूँ जहाँ हमारी बैठती हूँ, तो बैठे ये मेरी दादी जी हैं, तो मैं निकाल लेती हूँ खाना।
तो गाइज मैंने छोटे कपड़े खिंगाल लिए, पानी से निकाल दिए, मैं निकाल ले जा रही हूँ सुखाने के लिए। ये हमारी देखो भैंस कैसे खड़ी है, ये हमारा प्लॉट है। ये मैं आपको इसका व्लॉग है जो बाद में दिखाऊंगी, अभी मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ। अब मैं ये कपड़े डाल देती हूँ सुखाने वाली मशीन में। इन्हें अच्छे से फैला देती हूँ ताकि हमारी छन्नी है वो नाज ना करे। मैं इसके ऊपर छन्नी लगा देती हूँ। तब तक हमारे कपड़े सूखते हैं, मैं सब्जी देख लेती हूँ। ये मेरी सब्जी बन रही है आराम आराम से धीरे धीरे। तो गाइस मेरी जो सब्जी है वो रेडी हो चुकी है। ये थोड़ी स्टीम में मैं इसीलिए छोड़ रही हूँ, ये अच्छी सी और बन जाएगी। वैसे बन गई है, कच्ची नहीं है। और तो गाइस अब मैंने रोटियाँ बना दी है, तो मैं पापा जी का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। ये देखो मेरी दही कैसी जमी हुई है, मैं देख लेती हूँ। देखो बिल्कुल अच्छी जमी हुई है, मैं इसे बीच से वो नहीं कर देती हूँ वरना पापा जी को अच्छा नहीं लगती। मैं ये दही रख देती हूँ, इसमें मैं नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा ऊपर ये मसाला डाल देती हूँ। अब एक टिफिन में सब्जी डाल देती हूँ। ये मैंने पापा जी की सब्जी डाल दी। पापा जी सब्जी पेठे की पसंद नहीं है पापा जी को, तो थोड़ी ही खाएंगे, वैसे भी थोड़ी ही खाते हैं सब्जी। अब मैं इसमें रोटियाँ रख देती हूँ। ये मैंने रोटियाँ रख दी, इसमें पिक्कल भी रख देती हूँ। ये मैंने इसमें पिक्कल भी रख दिया है। ये मैं रख देती हूँ रोटी का टिफिन। अब मैं कर देती हूँ इसे बंद। ये मैंने कर दिया है टिफिन बंद। अब मैं इसे बैग में डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिए बैग में टिफिन। ये पता नहीं क्या लग गया है। ये मैंने कर दिया पापा जी का टिफिन रेडी। अब मैं इसे रख देती हूँ और साथ में दूध वाली डोली रख देती हूँ जब पापा जी भरना भूल जाते हैं। थोड़ी सी ऐसे करके रख देती हूँ ताकि इसमें स्मेल ना हो रही है मेरा, हो रहा है नानी का पानी गर्म। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।